हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ निरामिस आलू का सब्जी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो बिना प्याज और लहसुन के निरामिस आलू का सब्जी कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें मैंने काला जीरा डाला है, फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा अजवाइन, फिर ये मिर्चा, अब मैं डालूंगी आलू। आलू डाल के अच्छे से चला लेना है, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर काटेंगे, सॉरी टमाटर डालेंगे। फिर मैंने डाल दिया है थोड़ा करी पत्ता, डालूंगी मैं थोड़ा सा हल्दी, जीरा पाउडर हल्का सा डालूंगी। अब मैं डालूंगी धनिया पाउडर, ये भी थोड़ा सा ही डालूंगी, और हल्का सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। करी पत्ता मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आलू की सब्जी में करी पत्ता डालना। आप भी बनाकर खाइएगा और देखिएगा कितना टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये, और खासकर ये पूरी के साथ तो और भी अच्छा लगता है। इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, पानी आप अपने अनुसार डाल लीजिए। तो मुझे थोड़ा सा रसीला रखना है तो मैंने पानी डाल लिया है। ये निरामिस आलू का सब्जी है, ना इसमें प्याज डालने की जरूरत है ना लहसुन डालने की जरूरत है। आपको अगर अदरक खाने का मन है तो आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका स्वाद जो होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। एक बार आप घर में बनाकर देखिए और मुझे बताइए कि ये कैसा लगा आपको। इसमें मैंने डाला है 5 फोरन मसाला, तो ये मसाला आप घर में बना के रख लीजिए, मैंने घर में ही बनाया है, तो मैं आपको एक दिन इसके बारे में भी बता दूंगी कि ये मसाला कैसे बनता है और क्या क्या डालना होता है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसको स्टोर करके रख लीजिए, जब आपको अचार में, चटनी में, किसी भी चीज में डालना होगा तो आप ये मसाला का यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए मेरा आलू का सब्जी बन गया है, मैं थोड़ा रसीले रखूंगी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो निरामिस आलू का सब्जी मेरा रेडी हो गया, मैं इसको गर्मा गर्म आटा की पूड़ी के साथ सर्व करूंगी, देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। आप भी घर में ट्राई करिए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना। बहुत टेस्टी है। कैसा लग रहा सब्जी? बहुत अच्छा है।